My dear kids, very good morning to all. So, we are doing chapter second of English grammar. Okay, we've done chapter one. I hope you all done your CW with SW work. So, this is a chapter two that is subject and predicate. Now, what is subject and predicate? The sentence has two parts: subject and predicate. Okay, subject. is the naming word and predicate that tell something about subject okay जो sentence होता है उसके two parts होते हैं subject और predicate subject एक मेन नेमिंग वर्ड होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है ओके लाइक लुक एट द फर्स्ट example रोहन प्लेस क्रिकेट ओके तो जो रोहन है नेमिंग वर्ड है ओके okay? ये क्या होगा पार्ट वन एंड प्लेज क्रिकेट मतलब कि रोहन क्या कर रहा है जो प्रेडिकेट होता है वो रोहन के बारे में बता रहा है कि ही प्लेस क्रिकेट सो प्लेज क्रिकेट इज द सेकेंड पार्ट दिस सेंटेंस डिवाइडेड इंटू टू पार्ट पार्ट वन एंड पार्ट टू रोहन इज द नेमिंग पार्ट एंड इट इज समन हो और समथिंग मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो नेमिंग वर्ड होता है नेमिंग पार्ट होता है इससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ है ओके okay? प्लेइंग पार्ट सेकेंड प्लेइंग क्रिकेट इज अ डूइंग पार्ट ओके अब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है डूइंग कर रहा है डूइंग पार्ट है इट टेल्स वॉट सम वन और समथिंग इज ऑर्डर्स कि मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि जो समवन या समथिंग जो चीज़ है वो क्या कर रही है ओके okay? लुक एट द पिक्चर देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अब अपन ने देखो इस पिक्चर को देखा क्या है कर रही है और गर्ल इज सिटिंग तो, तो जो गर्ल है वो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट तो जो गर्ल है वो नेमिंग पार्ट है और जो गर्ल कर रही है मीन इज सिटिंग इज सिटिंग टेल अ समथिंग अबाउट गर्ल ओके द पर्सन और थिंग दैट इज स्पोकन दिस इज अ डेफिनेशन प्लीज मार्क इट द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज द नेमिंग पार्ट इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ओके जो पर्सन जो बोल रहा है जो काम कर रहा है वो अपना सब्जेक्ट होगा ठीक है मेन जो नेमिंग पार्ट होगा एंड वॉट इज सैड अबाउट द पर्सन मतलब उसके बारे में कुछ कह रहा है पर्सन या थिंग के बारे में जो काम कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट रीड द फॉलिंग्स टू टू पार्ट्स ऑफ एवरी सेंटेंस अ वर्ड और थिंग स्पोकन अबाउट सब्जेक्ट वही अपना नेमिंग पार्ट हो गया व्हाट इज सैड व्हाट इज सैड अबाउट द पर्सन और थिंग और प्रेक्टिकेट मतलब वही उसका डूइंग पार्ट हो गया तो जो नेमिंग पार्ट है उसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं और जो डूइंग पार्ट है वो उसका हमारा प्रैक्टिकेट है द सन राइज इन दिस इज अ Complete sentence naming part will be the sun and doing part rises in the east. The baby drinks milk. The baby is subject and drinks milk is predicate because the baby is the naming part and drinks milk is a doing part. Okay, kids. So, this is our exercise. You have to try it to do in your book only. And tomorrow I will do this exercise and you will check that. What you done wrong and what you done right, okay kids? So you will check. Firstly, you have to practice by yourself, okay my dear kids. I hope you understand the what is the subject and predicate. This is a sentences parts, okay? There are two parts of sentence: subject and predicate, okay kids? So this is the definition of subject and predicate. You will learn it. You will read it. I hope you understand this chapter. Okay, my dear kids. Thank you. Stay at home. Be safe.